माता रानी की जय हो भक्तों, आपका स्वागत है हमारे शो में, जिसे हम आपको बताते हैं कुछ आसान से टोटके और उपाय, जिनसे आप अपने घर में बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति पर वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो वशीकरण टोटका मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको इस टोटके से आसान व प्रचंड टोटका कहीं नहीं मिल सकता। और मैं इससे सबसे आसान उपाय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसे करने के लिए आपको इस्तेमाल करने होंगे आपको अपने खुद के ही दो बाल। जी हाँ, आपको अपने खुद के दो बालों का इस्तेमाल करना है इस वशीकरण में। आज तक आपने बालों से वशीकरण के जो भी वीडियो देखे होंगे, उनमें आपको उस व्यक्ति के बालों का इस्तेमाल करना होता है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको इस्तेमाल करने हैं आपके अपने दो बाल, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ये मुमकिन नहीं हो पाता कि जिस पर हम वशीकरण करना चाहते हैं उसके बाल हमें मिल जाए। आज मैं आपको जो विधि बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको बाजार से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस विधि में आपको एक सिद्ध किए हुए मंत्र का प्रयोग करना है, जिससे कि आप इस विधि को अत्यंत सरलता से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी से भी बहुत प्यार करते हैं लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इस विधि के प्रयोग से आप उस व्यक्ति के मन में अपने लिए बिल्कुल वैसा ही प्यार जगा सकते हैं जैसा आप उसे करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इस विधि को आपको रात 11 से 12 बजे के बीच में ही करना है। सबसे पहले आपको दो बाल लेने हैं, फिर आपको एक बाल अपने दाहिने हाथ में लेकर एक मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलने के बाद इस बाल को अपने तकिए के दाएं तरफ रख देना है। इसके बाद आपको अपना दूसरा बाल अपने बाएं हाथ में लेना है, वही मंत्र दोहराना है, और इसके बाद इस बाल को अपने तकिए